Hello, GetsetFlyers, this is Gaurav. And you know, जब किसी dead body की postmortem या autopsy की जाती है, तो उसके हाथों की skin को किसी glove की तरह अपने हाथों में पहनकर fingerprints लिए जाते हैं. Now that sounds gross, right? But मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर सीधा-सीधा dead body के हाथों से ही उंगलियों की निशानी क्यों नहीं ले ली जाती? यूं ऐसे घुमाकर खाना खाने का क्या मतलब हुआ? I will get back to you on this. और उससे पहले मैं ये भी ऐड कर दूं कि 2009 में जब केरला के एक युवक ने अपने बाइक एक्सीडेंट में हुए ब्रेन डैमेज को ट्रीट करने के लिए एक लोकल हॉस्पिटल में खुद को एडमिट कराया, तब तो उसकी मौत के बाद पुलिस को पता चला था कि हॉस्पिटल ने तो उसके ब्रेन पर कुछ काम किया ही नहीं था, बल्कि उल्टा उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स निकाल लिए. So, इसके आधार पर इज इट सेफ टू से कि इंडिया में ऑटोप्सी एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग का धंधा बन चुका है? क्योंकि देखो, इंडिया की फाइनेस्ट फॉरेंसिक फैसिलिटी AIIMS के कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने तो खुलासा भी किया है कि इंडिया में करीबन 80% ऑटोप्सीज तो वो डॉक्टर्स करते हैं जिन्हें ऑटोप्सी का ए तक नहीं आता. So, आखिर रियल ऑटोप्सी किस तरह से की जाती है? Well, let's find that out in our today's wonderful video titled Postmortem Autopsy कैसे की जाती है. इंडिया ये वो देश है जहाँ करीब 1.34 बिलियन लोग रहते हैं, पर इस ह्यूज पॉपुलेशन का सीधा सीधा मतलब ये भी होता है यहाँ पर सालाना मरने वालों की संख्या लाखों में होती है, इफ नॉट क्रोस, जिनमें से अराउंड 7.5 लाख मौत तो केवल अननेचुरल डेथ्स की कैटेगरी में आती है, लाइक मर्डर, सुइसाइड, डेथ फ्रॉम फॉल और ड्राउनिंग, डेथ फ्रॉम ट्रैफिक एक्सीडेंट, अनएक्सप्लेन सडन डेथ्स एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ लुकिंग एट द टर्म अननेचुरल डेथ, ये तो आप खुद भी समझ सकते हो कि ऐसे डेथ्स की इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो कि किस साधारण से लगने वाली मौत के पीछे किसी का बड़ा षड्यंत्र निकल जाए. एंड इसी सोच के साथ इंडिया में ये नियम बना है, हर तरह की अननेचुरल डेथ में ऑटोप्सी होना कंपलसरी होगा, इंक्लूडिंग इन केसेस ऑफ एनी अनआइडेंटिफाइड बॉडी, डेड फीटसेस एंड ऑल्सो इन एनी हॉस्पिटल डेथ, जहां फैमिली को लगता है कि उनका मेंबर हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण मरा है. पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम किस चिड़िया का नाम है और इतना जरूरी क्यों होता है? वेल, पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी बेसिकली एक मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होता है जिसमें किसी इंसान के मॉर्टम यानी कि डेथ के बाद उसके शरीर की मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है टू लुक फॉर एनी क्लूज जो उस इंसान की कॉज ऑफ डेथ को लीगली साबित करने में मदद कर सके. यानी सिंपली कहूं तो द एम ऑफ अ पोस्टमार्टम इज टू ऑब्टेन यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन एंड व्हाई डिड समवन डाई. हालांकि कभी कभी इन्हें डिजीजेस को स्टडी करने के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए और किसी लावारिस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है, बट क्या आपको पता है जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए वेल ट्रेन्ड होते हैं वो तो महज डेड बॉडी को देखकर ही आधी ऑटोप्सी रिपोर्ट भर देते हैं. या दैट्स ट्रू, मगर किन बेसिस पर? तो यार देखो, डेथ के बाद हमारी आत्मा शरीर से बाहर जाती है या नहीं ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमारा शरीर कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस जरूर शो करता है, वो भी एक टाइमली एंड ऑर्डरली मैनर में. अब वैसे तो ये चेंजेस रूम के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं या फिर इवन डिजीजेस जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स पर, और अगर इन दोनों वजहों में से भी किसी भी वजह ने इफेक्ट किया तो हमें मिसलीडिंग डेटा मिल सकता है. बट इसीलिए बॉडीज को ठीक से प्रिजर्व किया जाता है इन गलतियों को अवॉइड करने के लिए, और इन स्टेजेस को आइडेंटिफाई करके किसी इंसान की मौत कितने समय पहले हुई इसका हम खुद भी एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं. सो व्हाट आर दीज चेंजेस और कैसे डॉक्टर कर लेते हैं ये सब? Well, कुछ मेडिकल स्टडीज के अनुसार ये चेंजेस 4 स्टेजेस में देखने को मिलते हैं, पैलर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस और लिवर मोर्टिस. बात करते हैं पैलर मोर्टिस के बारे में. जब भी किसी भी इंसान की मौत होती है तो उसका शरीर सबसे पहले पैलर मोर्टिस इस स्टेज से गुजरता है, जिसका लैटिन टू इंग्लिश डायरेक्ट मतलब होता है द पेलनेस ऑफ डेथ. यानी नाम के हिसाब से इस स्टेज में डेड बॉडी का रंग, ब्लड सर्कुलेशन रुकने के कारण पेल या फीका दिखने लगता है, स्पेशली ऑन द फेस, मच लाइक अ ज़ॉम्बी, क्योंकि वो लालम लाल खून से भरी हमारी माइक्रोस्कोपिक कैपिलरिया ही होती है जिनकी वजह से हमारी स्किन को उसका लाइवली ग्लो मिलता है. बट देयर इज अ कैच, क्योंकि मरने के बाद ब्लड सप्लाई ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रुक जाता है, ये फर्स्ट साइन काफी तेजी से दिखने लगता है विद इन जस्ट 15 to 30 minutes ऑफ डेथ. और इसी वजह से ये वाली स्टेज एज सच टाइम ऑफ डेथ बताने के लिए इतनी कारगर नहीं मानी जाती. नेक्स्ट कम्स एल्गर मोर्टिस. एल्गर का मतलब होता है कोल्डनेस और मोर्टिस का मतलब होता है डेथ, ऑफ कोर्स. सो एल्गर मोर्टिस का सीधा सीधा मतलब होता है द कोल्डनेस ऑफ डेथ. बट इसका एक डेड बॉडी से क्या संबंध?
तो वेल ह्यूमंस वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दिल और दिमाग की मिलीभगत से अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्रीज पर कांस्टेंट रखते हैं रिगार्डलेस ऑफ द आउटसाइड टेम्परेचर। हालांकि जैसे ही हमारी मौत होती है विद इन सेकेंड्स दिल और दिमाग दोनों के सेल्स मरने लगते हैं और उनके द्वारा कंट्रोल टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम भी ठप पड़ने लगता है जिससे डेड बॉडी धीरे धीरे आउटसाइड टेम्परेचर के लेवल तक ड्रॉप होने लगती है और हमें वो डेड बॉडी ठंडी फील होती है। अब क्योंकि इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में करीब 18 से 20 घंटे लगते हैं कोई भी डेड बॉडी कितनी ठंडी पड़ी है इससे एग्जामिनर्स को टाइम ऑफ डेथ से लेकर टाइम ऑफ एग्जामिनेशन के बीच का समय यानी पोस्टमार्टम इंटरवल जानने में मदद मिलता है। नेक्स्ट स्टेज कम्स इज रिगर मोर्टिस। मौत के ऑलमोस्ट तुरंत बाद शरीर के मसल्स तेजी से सिकुड़ने लगते हैं और कुछ ही घंटों में ऑलमोस्ट पूरा शरीर मानो रिजिड होने लगता है यानी कि सख्त। इसीलिए स्टेज का नाम है रिगर मोर्टिस या सिंपली रिजिडनेस ऑफ डेथ। ये स्टेज वैसे तो प्रोमिनेंटली नजर आने लगता है विद इन 2 आवर्स ऑफ डेथ और 12 घंटे होते होते ये अपने चरम पर पहुंच जाता है। बट देन बिकॉज ऑफ डीकंपोजिशन 24 से 48 आवर्स के बाद टिश्यूज इवेंचुअली फिर से सॉफ्ट पड़ने लगते हैं और रिगर मोर्टिस वाला स्टेज खत्म हो जाता है लीडिंग टू द स्टार्ट ऑफ द फाइनल स्टेज व्हिच इज लिवर मोर्टिस। लिवर मोर्टिस मौत के बाद खून बस ग्रेविटी के भरोसे मूव हो रहा होता है क्योंकि आपका हार्ट तो पंप नहीं कर रहा जिसके कारण इट एक्यूमुलेट्स इन द डाउनवर्ड फेसिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी मेकिंग दोस पार्ट्स अपीयर डार्क रेड। लेकिन मौत के बाद एक और एक चीज भी होती है and that is blood color changes from deep red to bluish purple within 6 to 8 hours of death. Yaane, isse ye hota hai ki in low-lying parts par eventually livid ya bluish regions nazar aane lagte hain, jo khoon ke jamne ke karan wahi fix ho jate hain. And hence the name, the bluishness of death. But wait, hum to post-mortem ki baat karne wale the, right? To dead body ke external features par pehle kyun focus kar rahe hain? Well, अब तक आपने जो भी जाना ना वो भी अटॉप्सी का ही पार्ट होता है क्योंकि अटॉप्सी दो फेजेस में की जाती है। फेज नंबर 1 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, फेज नंबर 2 इंटरनल एग्जामिनेशन। सो इन चार स्टेजेस की मदद से हमें बेसिकली क्राइम सीन पर ही टाइम ऑफ डेथ का अंदाजा लगाने में मदद मिल जाता है। बट इज दैट इट, क्या इतना ही होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में? वेल नहीं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में तो और भी बहुत कुछ होता है जो बॉडी को लैब में ले जाने के बाद किया जाता है। सो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में बिसाइड्स डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ डेथ एग्जैक्टली मौत हुई किसकी है ये जानना भी बहुत जरूरी होता है और इसीलिए सबसे पहले तो किया जाता है बॉडी का फोटोशूट। ऑटोप्सी की शुरुआत करने से पहले बॉडी के हर एक पॉसिबल एंगल से वीडियोस और फोटोज लिए जाते हैं ताकि अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल इंजरी हो तो वो इन फोटोज में कैप्चर हो जाए और आगे चलकर डॉक्टर्स पे कोई सवाल ना उठा सके। फिर इस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए लिए जाते हैं उस बॉडी के फिंगरप्रिंट्स। वैसे तो किसी डेड बॉडी का फिंगरप्रिंट लेना वैसा ही होता है जैसा किसी जिंदा इंसान का, पर अगर बॉडी ऑलरेडी अपने डीकंपोजिशन के स्टेज पे होगी तो फिंगरप्रिंट्स को बचाने के लिए पूरे पंजे के स्किन को ही किसी ग्लोव की तरह कट करके निकाला जाता है और फिर डॉक्टर्स उसे खुद अपने हाथों में पहनकर फिंगरप्रिंट निकालते हैं। और वैसे ही इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आई कलर, हेयर कलर, हाइट, एथनिसिटी, सेक्स, एज और वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, इन सब का भी एक हिसाब रखा जाता है which helps in identification as well. Khair, after this comes X-ray and X-ray spectrometry. इसमें, as the name says, dead इंसान का full body X-ray लिया जाता है without touching or tearing them. So that अगर किसी internal injury के वजह से उसकी मौत हुई है, तो उस part को भी identify किया जा सके. और आगे होने वाली चीर फाड़ के दौरान उस part को ध्यान से separate किया जा सके. साथ ही अगर उसके कपड़ों या स्किन पर किसी तरह का ऑयल, पेंट या गन पाउडर के ट्रेसेस नजर आते हैं सो उनकी एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री नाम की एक पावरफुल केमिकल आइडेंटिफिकेशन मेथड की मदद से जांच होती है। एंड वंस दिस इज डन फिर होता है बॉडी का फ्लूइड चेक जिसमें विक्टिम के शरीर के सभी फ्लूइड्स जैसे कि पसीने, यूरिन, सलाइवा, ब्लड, आंखों में मौजूद विट्रियस फ्लूइड्स, इन सभी की जांच पड़ताल होती है ताकि उनसे डीएनए के साथ साथ अल्कोहल, ड्रग्स, पॉइजन, डायबिटीज, इन सब की पॉसिबिलिटीज पर भी नजर डाली जा सके। क्योंकि अगर इन चीजों के ट्रेसेस क्राइम सीन के ट्रेसेस से मैच हुए तो इससे ये डिटरमाइन करने में मदद होती है कि क्या जहां पर बॉडी मिली है वहीं पर कत्ल हुआ या कहीं और। बट जब इस एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में ही इतना कुछ जान लिया जाता है तो फिर इंटरनल एग्जामिनेशन डेड बॉडी के बारे में अलग क्या सिखाता है? आसान शब्दों में चीर फाड़ के बाद डॉक्टर्स को अंदर से इंटरनल एग्जामिनेशन करते वक्त क्या मिलता है? सो
इंटरनल एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो दोनों शोल्डर से लेकर चेस्ट के नीचे तक एक वी शेप का कट मारा जाता है और फिर वहां से नीचे मेन पॉइंट तक एक सीधे लाइन में कट मारा जाता है, मेकिंग दैट वी कट इनटू अ वाई शेप्ड कट। इससे होता यह है कि पूरी मिडिल बॉडी, जिसे हम टॉर्सो भी कहते हैं, उस पर मौजूद स्किन को किसी जिपर की तरह खोलने में आसानी होती है और इंटरनल ऑर्गन्स भी बड़े आसानी से जांच के लिए निकाले जा सकते हैं। एंड आई नो इट साउंड्स ग्रॉस, बट डज दैट मीन कि सारे ही ऑर्गन्स को टेस्टिंग के लिए भी भेज दिया जाता है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। यूजुअली इंटरनल एग्जामिनेशन में मेजरली उन्हीं ऑर्गन्स पर ही ज्यादा फोकस किया जाता है जिनमें एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के वक्त गड़बड़ी का शक हुआ था। आई मीन एटलीस्ट ज्यादातर हॉस्पिटल्स में तो सिर्फ उन्हें ही निकाला जाता है, एक्सेप्ट सम जो इन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। पोस्टमार्टम ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकर्स। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, केरला के एक युवक अभिन वीजे का दिसंबर 2009 में एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके सिर पर एक चोट आई थी और ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बनने लगे थे। उसने कई लोकल हॉस्पिटल्स में अपनी ट्रीटमेंट के लिए गुहार लगाई, लेकिन उनमें से बहुतों ने उसे पहले ही मना कर लिया और आखिर बहुत कोशिशों के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने उसका ऑपरेशन तो किया, मगर अनफॉर्चुनेटली अभिन की उसी ऑपरेशन में मौत हो गई। अभिन के मौत के बाद जब लोकल पुलिस को उस हॉस्पिटल पर शक हुआ और उन्होंने उस बॉडी की अपने पुलिस सर्जन से ऑटोप्सी करवाई, तब पता चला कि उसके शरीर से उसका लिवर और दोनों किडनियां गायब कर लिए गए थे। अब ऐसे में आप ही सोचो, 2018 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो स्टेट्स के लिए रिकमेंडेशन जारी किया था, वो स्टेट्स एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होता? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन, जो भी फैमिली अपने डेड वंस के ऑर्गन्स डोनेट करेगी, उन्हें 5 साल के लिए करीब 1-5 लाख पर ईयर दिए जाएंगे और उस कंसर्न हॉस्पिटल को 50,000। नाउ अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहां से आएगा और तुम्हारा सैलरी कहां से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। अगर ऐसे कांड सामने आ रहे हैं कि ऑर्गन्स के लालच में एक बार रोग डॉक्टर्स ऑपरेशन को अनसक्सेसफुल बनाने तक भी रेडी हो जाते हैं, तो क्या ये अच्छा आइडिया नहीं होगा कि ऑर्गन डोनेट पहले से ही कर लिया जाए? इससे हो सकता है किसी को अगर सही में उस ऑर्गन की जरूरत है, उस तक भी लीगल मेथड्स के थ्रू ये ऑर्गन पहुंच पाए। सो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स इस पर, क्या ये एक अच्छा आइडिया है या एक बुरा आइडिया? लिखिए इसके प्रोज एंड कॉन्स नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।